भेज रही हूँ, रिकॉर्डिंग ऑन कर लोगे? हाँ ठीक है, कर लो, उसमें दिख रहा है ना? ठीक है ठीक है, आज ध्यान रखना सर। ये है कि आपको नेक्स्ट क्लिक करना पड़ेगा। सबसे पहले हमारे गरीब बच्चे, हमारे बच्चे सब, और मुझे लगता है कि आपसे हमारी मुलाकात नहीं होती, आपसे भी नहीं होती। हाँ 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 देखो लगी है हमसे आप लोगों से भी मुलाकात नहीं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और क्यों? इसलिए कि मुझे भी बहुत फख्र हो रहा है कि हमारे रेस्टोरेंट यहाँ पर बैठे और आप लोग इतना फाइट करके, है ना, फाइट करके यहाँ पे आए हैं, तो ये मुझे लगता है कि आसान काम नहीं है, तो इसलिए आप लोग धन्यवाद देते हैं, है ना। इसे बंद कर दीजिए, देखिए ये जो कोर्स, ये जो आपके कोर्स है, टॉपिक है, ये कोई नई थोड़ी नए तो है नहीं, इन सबको आप पढ़ चुके कहीं ना कहीं। हाँ इतना जरूर है कि उसको हम रिफ्रेस कर सकते हैं, हम कुछ नया नहीं होना पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा हम ये कहना चाहेंगे कि आप लोग जिस मिशन पर चले हैं वो थोड़ा सा टफ है, क्योंकि ये उच्च शिक्षा की सबसे हाईएस्ट डिग्री है, है ना, बड़ी प्रेस्टीजियस डिग्री है। जब देखिए आप यहाँ तक आ गए थे तो आप वहाँ भी पहुँचेंगे बिल्कुल पूरी तरह से, हमें विश्वास है इस चीज़ का, और बड़ा हमें संतुष्टि हुई कि आप अपने जो अलॉट समय है उसमें आप ये सब कर पाए। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आप ये कोर्स वर्क कंप्लीट करके और जब उस टारगेट पर जिसके लिए आप जा रहे हैं उसका आपने पूरी तरह से एक जो कहिए खाका है, बहुत ही प्रीशियस पॉइंट है, उसको आपने तय कर लिया होगा। मुझे लगता है कि अगर आपने तय नहीं किया है तो फिर आप उसे करिए, तो ये जरूरी है कि आपको जिस मिशन पर चल रहे हैं वो एकदम क्लियर है। अब आपको वहाँ पर किसी भी तरह की कोई शक नहीं है कि आप उसके लिए फिर से सोचें। जब हम किसी टॉपिक पर, किसी ऐसी बात पर हम फोकस करते हैं कि वो हमें ये लगने लगता है कि अब यहाँ तक तो सब कुछ हो चुका है, जो भी लिटरेचर हम कंसल्ट करते हैं, देखते हैं कहीं से भी, तो हम कहीं ना कहीं से ये पाते हैं कि हाँ ये तो हमने कर चुके हैं, सुन चुके हैं, अब हमें कुछ इसमें और जोड़ना चाहिए। तो वही जोड़ने वाला बात है ये सब। आपको जैसे मैं अभी कह ही चुका हूँ कि आप सब कुछ पढ़ चुके हैं, हम कुछ यहाँ पर नया कुछ नहीं बताएंगे आपको, जितना हम जानते हैं उतना ही आप जानते हैं, आप हमसे कम नहीं जानते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ रिफ्रेश कर रहे हैं। तो ये जो टॉपिक है आपका,
वो है वेक्टर कंट्रोल, और इसमें आप बायोलॉजिकली, एनवायरमेंटली और केमिकली इनको आप किस तरह से देखते हैं और उनको मैनेज कैसे कर सकते हैं, इस पर ये पूरी बात है। इसको जो टॉपिक इसमें इन्होंने सम्मिलित किया है, क्यों सम्मिलित किया है, इसका कुछ खास कारण है। देखिए ये जनरल यूज में तो है ही है, लेकिन मेडिकल इम्पोर्टेंस, चाहे वो हमारे सराउंडिंग्स जितने भी ऑर्गेनिज्म हों, एनिमल्स हों या हम खुद हों, उनसे ये रिलेटेड है। तो इसमें से आपके रिसर्च के, आपके जो भी व्यूज हैं उनको दोबारा से सोचने के लिए मजबूर करती है। वेक्टर्स आप जानते हैं, ऐसे एनिमल जो कि इन्फेक्शस डिजीज को फैलाते हैं, उनको स्प्रेड करते हैं। कभी कभी ये भी होता है कि इनकी लाइफ साइकिल में ये, चाहे वो पैरासाइट्स हों, कोई पैथोजन हो या कोई भी दूसरे ऐसी डिजीज के कारक हों, फैक्टर हों, जो कि इनकी लाइफ साइकिल में इन्वॉल्व हों, और कुछ ऐसे भी पैथोजन से जो कि इनकी लाइफ साइकिल में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, वो एक तरह से मैकेनिकली एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, तो इस पर हम बात करेंगे। इसके कुछ जैसे यहाँ पर ऑफलाइन में हमने इनको समझने के लिए सबसे पहले ये कोशिश करिए कि इसका इंट्रोडक्शन समझा जाए कि ये वेक्टर्स है क्या, और किस तरह से हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं, और कंट्रोल के बहुत सारे तरीके हैं जिन पर हम यहाँ थोड़ा सा बात करेंगे। वहीं पर ये भी समझ लिया जाए, जैसे कि मैंने अभी कहा आपसे कि व्हाट इज वेक्टर, वेक्टर क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर बात आती है कि टाइप ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स कितने टाइप के हो सकते हैं। देखिए, जब तक हम किसी भी, चाहे वो एनिमल को या फिर आप कोई भी अलग से काम कर रहे हैं, उसके बारे में पूरा सिनेरियो, एक पूरी तरह से उसकी आउटलाइन आप जब तक तैयार नहीं कर लेंगे, तो आप कहीं ना कहीं बीच में कंफ्यूज होते रहेंगे। एकदम आपके सामने क्लियर पिक्चर होनी चाहिए। देखिए, नोट करना चाहे आप नोट कर लें, और मैं आपको ये दे दूंगा, ये आपको मिल जाएगा। हाँ, उस पर मेरे ख्याल में गूगल पे भी होगा, इसमें कुछ इधर उधर करके हमने थोड़ा सा समझाने की बात करिए। अगर आप हार्ड कॉपी चाहेंगे तो मैं आपको हार्ड कॉपी दे दूँगा, अब वो आप फोटो कॉपी करा लीजिए। ठीक है ना, कोई बात नहीं, अब नोट करना चाहेंगे नोट कर लें, है ना। ठीक है, तो हम टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे। वहीं पर वेक्टर बॉर्न डिजीज, अब वेक्टर के द्वारा फैलने वाली, स्प्रेड करने वाली कौन सी डिजीज है जो कि हमसे डायरेक्ट रिलेटेड है, वो हमारे जीवन पर किसी न किसी तरह से बहुत ही प्रभाव डालती है, और उन बीमारियों की वजह से कई बार तो बीमारियां वो हम बिल्कुल पूरी तरह से निकाल नहीं पाते, और ता उम्र पूरी जीवन वो चलती रहती है और हमें परेशान करती रहती है, और यहाँ तक होता है कि इस वजह से हमारी जो लाइफ लॉन्ग है वो शॉर्ट हो जाती है और हमारी डेथ हो जाती है, अगर हम उनके बारे में सही तरह से समझें, सही तरह से क्योर न करें और अवेयरनेस हमारे अंदर ना हो। ये बात आ गई वेक्टर कंट्रोल स्ट्रेटेजी, हमारी स्ट्रेटेजी क्या है,
किस तरह से हम वेक्टर्स को जो ये कीड़े हैं जो कि हमारी डिजीज को स्प्रेड कर रहे हैं उसको हम किस तरह से कंट्रोल करते कर रहे हैं कर सकते हैं उसकी एक कॉम्पैक्ट एकदम क्लियर पिक्चर होनी चाहिए हमारे दिमाग में जब ही हम उसको कर सकते हैं, है ना। इसके बाद है सर्विलांस मॉनिटरिंग वेक्टर्स। इसके बारे में हमें सर्विलांस समझते हैं आप लोग है? क्या मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कई बार तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे है। एक शब्द होता है रैकी, समझते हैं आप रैकी? रैकी है पुलिस वाले कई बार वहाँ खड़ी रहती है ना, है ना, पीछा करती रहती है और देखती रहती है ना। तो सर्विलांस का मतलब मॉनिटरिंग है ना, हर समय और उसके बारे में हमें जानकारी रहनी चाहिए, है ना। अगर जानकारी हट जाएगी तो ये किसी न किसी तरह से हमारी बॉडी में एंटर कर जाएंगे और फिर हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। ये जरूरी है कि सर्विलांस होनी चाहिए, है ना। सर्विलांस और मॉनिटरिंग एक ही बात है। अब वहीं पर फिर है रोल ऑफ द एंटोमोलॉजिस्ट। एंटोमोलॉजिस्ट के बारे में आप जानते हैं, क्या होते हैं एंटोमोलॉजिस्ट? हाँ हाँ, ऐसे रिसर्चर्स, ऐसे लोग जो कि हीट विज्ञान से संबंधित होते हैं और इनकी पूरी तरह से स्टडी करते हैं चाहे वो किसी भी पहलू में हो, उनको हम एंटोमोलॉजिस्ट कह सकते हैं, कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है इंटीग्रेटर वेक्टर मैनेजमेंट, IVM। हम इनको कंट्रोल करने के लिए, इनको मैनेज करने के लिए कम से कम ये नुकसान पहुंचाएं, कम से कम ये हार्म पहुंचाएं हमारे हमारे लिए और हमारे एसोसिएट जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल है उनको कम से कम नुकसान पहुंचाएं। उनको हम किस तरह से मैनेज, कंट्रोल तो करेंगे ही करेंगे लेकिन मैनेज करेंगे पूरी तरह से। अगर उनको ख़त्म भी कर ख़त्म कर देंगे तो ये एक जो साइकिल हमारी एनवायरनमेंट में है वो सही तरह से चल नहीं पाएगी, कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रॉय करेगी और एक समस्या फिर से खड़ी हो जाएगी। तो हम उनको पूरी तरह से ख़त्म नहीं करेंगे। यहीं पर मुझे बात आ गई थोड़ा सा, जैसे वैसे बेनिफिशियल है हनी भी, है ना, सभी तरह से बेनिफिशियल है। अगर हम पूरे एनवायरनमेंट से हनी बी को ख़त्म कर दें तो क्या हो सकता है हमारे लाइफ पर, क्या प्रभाव पड़ेगा अल्टीमेटली? है बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और बताइए है, बिल्कुल ठीक, एकदम ठीक कह रहे हैं। आप भी कुछ कहना चाह रहे थे इधर से? चलिए ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर एक जो इस पर जिन लोगों ने रिसर्च की है इस तरह से पूरी तरह से इनके बारे में जाना है, उनका कहना है कि अगर हम हनी बी को ख़त्म कर दें पूरी तरह से तो लगभग 2.5 से 3 साल में ह्यूमन बींग्स बचेगी नहीं, ख़त्म हो जाएगी पूरी यूनिवर्स से। देखिए हम सोचते हैं, सामान्य लोग हैं नहीं सोचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह का एक दूसरे ये इस लाइफ में जो लाइफ साइकिल है उसमें हर ऑर्गेनिज्म का जिसका हमारे दिमाग में, हाँ कहीं पर ये है कि नहीं नहीं ये तो सब बेकार है, ऐसा नहीं है। तो हाँ, अगर कोई इम्पोर्टेंस नहीं है तो वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं अपने आप, धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा हमने आउटलाइन जिन पर हम बात करने वाले हैं वो मैंने आपको बताया। अब देखिए इंट्रोडक्शन में सप्रेसिंग द इकोनॉमीज ऑफ नेशंस एंड इंटरप्टिंग
इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस वेयर इट रिमेंस एंड एंड। अब थोड़ा सा इस पर हम सोचे कि अगर वेक्टर्स को हम कंट्रोल न करें तो ये बढ़ते चले जाएंगे। सबसे पहले इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं और पूरी जो नेशन की, हमारे राष्ट्र की जो इकोनॉमी है उसको नीचे पहुंचाते, सप्रेस कर देते हैं। कैसे? देखिए, अगर हमारा जो खाना है, हमारे स्टोरेज ग्रेन्स है, अगर हम बिना किसी ट्रीटमेंट के स्टोरेज में रख दें, खाने को उगाने के बाद तुरंत पूरा का पूरा तो खा नहीं लेंगे भाई, हमें तो रोजाना चाहिए। तो आप इसको थोड़ा सा ये देखें कि अगर इनको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, स्टोरेज को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, तो लगभग ये 60-70% हमारे स्टोरेज ग्रेन्स को खत्म कर देते हैं। देखिए क्या होगा, कितनी इकोनॉमी सप्रेस हो जाएगी, है ना। वहीं पर बहुत सारे लोगों में ऐसी कोई समस्या जो कि चाहे मॉस्किटो हो या कोई दूसरी, तो उन्होंने फैला दी तो वहाँ लोग हॉस्पिटल में भर्ती करने पड़ेंगे, बहुत सारी दवाइयाँ, डॉक्टरों की इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, तो सब सप्रेस होगी ना इकोनॉमी। अगर हम कहीं उसको अपने ग्रोइंग पार्ट में लगा रहे होंगे वो यहाँ लग जाएगा, तो इस लाइन का ये करें। ये आपको मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, आप जानते हैं ये सर। कैन बी एंडेमिक फ्रॉम वेरी क्विक व्हेन वेक्टर कंट्रोल इज नॉट इन प्लेस, देन यू नीड टू इम्प्रूव अवेयरनेस, डायग्नोस्टिक फैसिलिटी एंड ट्रीटमेंट। अगर हम इन वेक्टर्स को पूरी तरह से समझ के, इन किलों को पूरी तरह से समझ के, अगर जैसे यहाँ पर हम एजुकेट हो रहे, समझ रहे, मैं जितना जानता हूँ आपको बता रहा हूँ, इस बात को आपको और दूसरे लोगों को अवेयरनेस फैलानी होगी। आपको सबको बताना होगा कि ज़्यादातर लोग जानते हैं, मेरे ख्याल में 50-60% लोग जानते होंगे कि मलेरिया मॉस्किटो से फैलता है, मच्छर से फैलता है, लेकिन बहुत लोग ये नहीं जानते होंगे कि फाइलेरिया से क्या मच्छर से फैलता है। नहीं, क्या मलेरिया? हाँ मलू, वो तो ठीक है, मैं एक जनरल लोग के लिए कह रहा हूँ। यहाँ पर तो आप सही कह रहे हैं, क्योंकि हम टेक्निकल लोग हैं, हम जानते हैं, लेकिन जो मजदूर लोग हैं या जो लोग इनके बारे में जो बायोलॉजी पढ़े लिखे नहीं है, उनको हम कैसे बताएंगे कि मच्छर से मलेरिया फैलता है, है ना। अगर उनको जानकारी नहीं है, वैसे जानकारी है, बहुत सारे ऐसे मीडिया की इंफॉर्मेशन है और वो बताती हैं, लेकिन ये हमारी जिम्मेवारी है उन लोगों तक पहुंचाने की कि फाइलेरिया से भी मच्छर से फैलता है, नहीं फैलता है, एडीज। हाँ, तो इस तरह की बातें हमें लोगों तक अवेयरनेस पहुंचानी पड़ेगी, क्योंकि कुछ लोग इतने बड़े सिस्टम को कंट्रोल नहीं कर सकते, सभी को उसमें योगदान देना पड़ेगा। तो इस तरह से अगर हम बहुत सारी अवेयरनेस फैलाएं, और अगर पैथोजन से इन्फेक्टेड हो ही जाए तो उसको हम डायग्नोस करने का तरीका भी यूज समझ सके, ऐसी थोड़ी सी जानकारी पूरे समाज को दे सके, ज़्यादा से ज़्यादा दे सके कि बुखार आ रहा है। बुखार तो कई चीज़ों में, कोई भी अंदर इन्फेक्शन हो जाता है बुखार आ जाता है, लेकिन मलेरिया का बुखार आ रहा है उसको कैसे हम समझ पाएंगे, तो ये सब जानकारी हमें देनी होगी। और फैसिलिटी, हॉस्पिटल्स और बहुत सारी ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास होना चाहिए जब हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। ट्रीटमेंट तो जब लास्ट की बात है, ट्रीटमेंट तो डॉक्टर ही करेंगे।
A vector borne infection disease caused by pathogens transmitted by insect and tick have long impact on human affairs. ये बात मैं आपको पहले अभी बता चुका हूँ, है ना? अब यहाँ पर एक मैंने एग्जांपल बताने की कोशिश कर लिया थी। यहाँ पर देखते हैं, ये आपने सुना है ब्लैक डेथ है? सुना है ब्लैक डेथ है? ब्लैक डेथ अगर लोगों को इस चीज की, जब ये शुरू हुआ होगा, कब शुरू हुआ था? और मुझे लगता है 1300वीं 1400वीं शताब्दी में ये इन्फेक्शन शुरू हुआ था। हाँ, अचानक ही 4-5 साल में 1346 से 1351 के बीच में ऐसा कुछ कहा जाता है कि ये शुरू हुआ था। और वो रेड चूहों से, जिसको मेरे ख्याल में प्लेग कहते हैं, बोगुनी प्लेग कहते हैं, है ना, वो शुरू हुआ था। लोग ना समझने की वजह से, अवेयरनेस नहीं थी, तो लगभग वह कहते हैं कि यूरोप की आधी आबादी खत्म हो गई। देखिए कितनी तेज, जब कोई वेक्टर बॉर्न डिजीज स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है, तो उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। अभी ये जो चल रहा है, जबकि वेक्टर बॉर्न नहीं है ये, लेकिन जब ये फैल गया, देखिए क्या क्या हुआ, हमको घरों में कैद रहना पड़ा, है ना। तो अगर हमें इस तरह की जानकारी हो तो हम आसानी से उसे फैलने से पहले ही रोक सकते हैं। तो ब्लैक डेथ में एक जो बैक्टीरिया होती है, ये यर्सिनिया पेस्टिस, ये जानते हैं यर्सिनिया पेस्टिस लिखा है क्या इसमें? नहीं लिखा है, लिख लीजिए यर्सिनिया पेस्टिस। यर्सिनिया पेस्टिस, हाँ पेस्टिस, PESTIYERSINIA, यर्सिनिया पेस्टिस। तो ये बैक्टीरिया है, उसकी वजह से ये चूहों में, चूहों से फिर ह्यूमन बींग्स में चला जाता है और इतनी तेजी से फैलता है कि उसको आसानी से रोक नहीं पाते। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिया, जिससे कि आपको जानकारी है और ज़्यादा समझ सकते। आपको यहाँ पर थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करनी है हमने कि व्हाट इज वेक्टर है क्या? इज एन इंसेक्ट और एनी एनिमल दैट ट्रांसमिट्स ए डिजीज टू अदर एनिमल्स और ह्यूमंस। अभी हम बार बार बता चुके हैं कि कोई इंसेक्ट, ऐसे इंसेक्ट जो कि इससे इन्फेक्टेड है, वो दूसरे एनिमल में इन पैथोजेंस को ट्रांसमिट कर देते हैं, जिनमें ह्यूमन भी शामिल है, जैसे मॉस्किटो है, सीसी फ्लाई है, टिक्स है, लाइस है, फ्लीज है, एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं। सीसी फ्लाई का मेरे ख्याल में हिल्ला है, सीसी फ्लाई, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक वेक्टर है। इसको किसी दूसरे नाम से भी जानते हैं क्या? है सेक्सी, सेक्सी है, टिक टिक, टिक टिक भी कहते हैं, टिक टिक फ्लाई है, हाँ सेंट फ्लाई, सेंट फ्लाई, हाँ उसका दूसरा नाम टिक टिक फ्लाई है ना। चलिए, टिक टिक दूसरा है, है? मैं कंफ्यूज हूँ क्या? टिक टिक सीसी फ्लाई को टिक टिक फ्लाई नहीं कहते? टीआईसी, टीआईसी है, वो
टाई राइट टी आई सी, इसको क्या बोलेंगे सी बोलेंगे प्रोनाउंसिएशन ये वो टी एस ये भाई वो ये लिखा हुआ है टी एस सी टी एस सी इसको मुझे किसी को मिल जाएगा अगर कहीं कभी मुझे चलिए अच्छा ये बताइए अच्छा लग रहा है मैं जो बोल रहा हूँ कि नहीं हाँ अच्छा लगे तो ठीक है नहीं तो चलिए टाइप्स ऑफ वेक्टर्स वेक्टर के टाइप प्रकार है ना जिसमें हम इनको दो कैटेगरी में समझ सकते हैं एक है मैकेनिकल वेक्टर्स ठीक है दूसरे बायोलॉजिकल वेक्टर्स मैकेनिकल वेक्टर्स ट्रांसमिट जैसे मैं बता रहा था आपको कि मैकेनिकल वेक्टर्स ऐसे वेक्टर हैं ऐसे कीड़े हैं जो कि पैथोजन उनकी लाइफ साइकिल में डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं करते जैसे कि उनके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में या लिम्फेटिक सिस्टम में जैसे वहाँ पर मॉस्किटो वगैरह में होते हैं तो वो डायरेक्ट उसमें इंटरफियर नहीं करते जो कि मैकेनिकल वेक्टर है ना वेक्टर मैकेनिकल वेक्टर में पैथोजन डायरेक्ट उनकी लाइफ साइकिल में इंटरफियर नहीं करते समझ रहे हैं इस बात को हाँ लेकिन ये वेक्टर पैथोजेंस को अपने या तो माउथ से या फूड से या बॉडी के दूसरे पार्ट से कॉन्टैक्ट से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं फैला देते हैं जैसे हाउस फ्लाई है ना हाउस फ्लाई आप अच्छी तरह से जानते हैं किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह जब हमें डायरिया हो जाता है या कुछ हो जाता है अपने वो टीवी पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक बड़ा इंटरेस्टिंग वो आता है एड आता है एक बड़ा दिमाग में आ रहा होगा आपने देखा हो तो कि उसको ऐसे ही हो गया डायरिया हो गया है तो वो तेजी से अपना वो गांव वाला लोटा उठाए और तेजी से भाग रहा है और उल्टी भी करते जा रहा है ना वोमिटिंग करता जा रहा है ध्यान आ रहा है एड इस तरह के एड बड़े समझाने वाले होते हैं अगर लोग सामान्यतः समझे हम समझते हैं कि अरे ये तो ऐसे ही सब जो सामान्य आदमी है वो यही समझते हैं कि अरे ये तो कुछ नहीं है और वो वहाँ जाता है तालाब के किनारे नदी के किनारे और तेजी से भाई क्या करेगा तो इमरजेंसी है तो छोड़ देता है तो कुछ तो पानी में बह के चला जाता है उसका स्टूल है मल है तो वो चला जाता है और कुछ वहीं पड़ा रह जाता है फिर आता है तेजी से वो हाथ धोने वाला हाथ धोने वाला हेड आता है और फिर वहाँ पर मक्खी आती है और वो फिर उसे ले जाके दूसरी जगह कभी कभी पानी भी पी लेते हैं उस नदी में से तो इस तरह से इन्फेक्शन फैल जाता है हाउस फ्लाई या माउथ पार्ट्स के थ्रू इस तरह तो ये जो मैकेनिकल वेक्टर हैं वो डायरेक्ट लाइफ साइकिल में पैथोजन में इन्वॉल्व नहीं होते अब आता है बायोलॉजिकल वेक्टर्स बायोलॉजिकल वेक्टर में ये बहुत ही
उनसे अलग है कि ये किसी न किसी तरह से इन बैक्टर्स की लाइफ साइकिल में जो पैथोजेंस हैं वो इन्वॉल्व हैं, वो चाहे ब्लड सकिंग करें या कोई दूसरी। अच्छा ये बताइए कि हम मॉस्किटो की ही बात करें, कौन सा पैरासाइट चला जाता है? है मलेरिया जो फैलाने वाला है, कौन सा? प्लाज्मोडियम है ना, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम चला जाता है। तो वो कैसे चला जाता है अंदर? ये बाइटिंग के थ्रू जाता है ना। लेकिन हमारा ब्लड तो जैसे ही बाहर आएगा तो जम जाएगा, फ्लोटिंग हो जाएगी। तो फिर ये कैसे इंसर्ट कर देता है और ये इसकी बॉडी में, मॉस्किटो की बॉडी में कहाँ पर रहता है ये प्लाज्मोडियम? प्लाज्मोडियम कहाँ पर रहता है मॉस्किटो की बॉडी में? मॉस्किटो की बॉडी में प्लाज्मोडियम कहाँ पर रहता है? देखिए, इसकी सैलिवरी ग्लैंड में, सैलिवरी ग्लैंड में, सैलिवरी ग्लैंड में जब ये इनके माउथ पार्ट्स हैं वो कैसे हैं, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के। तो ये जैसे ही स्किन को पेनिट्रेट करता है, पेनिट्रेट करता है, अपने प्रोबोसिस को एंटर करता है स्किन में और ब्लड सक करता है, तो ऑक्सीजन की कॉन्टैक्ट में आ जाती है, ठीक है। तो ब्लड क्लॉट हो जाना चाहिए, वो सक ही नहीं कर सकता, तो फिर कैसे सक करता है भाई? थक्का बन जाएगा ब्लड का, तो फिर सक कैसे कर पाएगा? उसे चूस ही नहीं पाएगा, कैसे फिर ब्लड को ले लेता है? आप जानते हैं, रिफ्रेश करिए, देखिए प्रोथेनबिन फाइब्रोलिजी या हिपेरिन का नाम सुना होगा, है ना। तो इसकी जो सैलिवरी ग्लैंड है उसमें हिपेरिन होता है ना। हिपेरिन वहाँ पर ये छोड़ देता है जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। जैसे ही ये सैलिवरी ग्लैंड से अपना सैलाइवा एंटर करता है तो जो प्लाज्मोडियम है वो इसके बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में रिलीज हो जाता है। खैर चल छोड़ इस बात को। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे, यहाँ पे ये जो शब्द आया ना लाइफ साइकिल, इसलिए मैंने आपको ये बात कही, तो अलग चीज है। तो इस पैरासाइट को ये उसमें रिलीज कर देता है, इस वजह से इन्फेक्टेड हो जाता है कोई भी व्यक्ति। आप अलग अलग स्पीशीज मॉस्किटो की वो अलग अलग तरह के इन्फेक्शंस कई बार कहलाते हैं। आर्मी अरवाइज विच मस्ट पास थ्रू द वेक्टर इन ऑर्डर टू मैच्योर टू एन इफेक्टिव स्टेज कैपेबल ऑफ बीइंग ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन और एनिमल होस्ट व्हेन ए वेक्टर टेक्स इट ब्लड। ये बात हमने आपको बता दी। अब देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ वेक्टर से डिजीजें और किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें से आप बहुत सारी डिजीज के बारे में जानते होंगे, अगर कुछ कहीं पर कंफ्यूजन हो तो मैं भी उसे करेक्ट कर दूंगा, मुझे बता दूँ, है ना। देखिए यहाँ पर मॉस्किटो है ना, मॉस्किटो है, मॉस्किटो भी यहाँ पर हमने तीन स्पेसीज को लिया है, एनोफ्लीज एनोफ्लीज क्रिडेक्स एडिस, ये तीन हो गया। तो मॉस्किटो की जो एनोफ्लीज है वो मलेरिया और लिम्फेटिक फाइब्रोसिस, लिम्फेटिक फाइब्रोसिस को हम क्या कहते हैं, लिम्फेटिक फाइब्रोसिस को दूसरा नाम हम फाइलेरियासिस भी देते हैं, ठीक है। तो एनोफ्लीज ही इसकी कैरियर है, ये लगभग हमने दो ही कलेक्ट किए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। तो मलेरिया
और लिम्फेटिक फाइब्रोसिस ये फैलाता है। अगर इसको हम ट्रीटमेंट करना चाहें, देखना चाहें कि किस तरह से इसको, जब व्यक्ति इन्फेक्टेड हो ही गया है तो अब इसको बचाना जरूरी है, उसको क्योर करना जरूरी है। तो अगर हमें मॉस्किटो एनोफिलीज की जानकारी हो जाए कि यहाँ पर है, तो हम उसे पर्सनल प्रोटेक्शन से रोक सकते हैं कि भाई बीमारी न हो, उससे पहले ही हम कुछ ऐसा कर लें कि मच्छर हमें काट ही ना पाए। तो ये तरीका है सामान्य सा, ये चीज सामान्य लोगों को भी पता होनी चाहिए। मेडिसिन जब हम उस व्यक्ति को देते हैं, इसके इन्फेक्शन को किस किस स्टेज में इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो यहाँ पर जनरली हम केमिकल कुछ देते हैं। केमिकल में आपकी थेरेपी भी आती है और केमिकल से स्प्रे करके उसको हम ख़त्म भी कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं थोड़े से सामान्य से। वहीं पर क्यूरेक्स, क्यूरेक्स से जापानी इंसेफेलाइटिस, ये वायरस होता है जापानी इंसेफेलाइटिस, इस जब इस व्यक्ति इन्फेक्टेड हो जाता है जापानी इंसेफेलाइटिस से, तो वैक्सीनेशन या वेक्टर कंट्रोल वैक्सीनेशन से इसको जापानी इंसेफेलाइटिस का मेरे ख्याल में जो करैक्टर है वो ब्रेन में सूजन आ जाता है, ऐसा मुझे कुछ याद आ रहा है, अगर गलत हो तो इसे करेक्ट कर लीजिए, है ना। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए जो मैं बता रहा हूँ, कहीं मैं कन्फ्यूज तो नहीं हूँ, इसको करेक्ट कर लीजिए। अगर मैं बता रहा हूँ तो ठीक है, ये ठीक है, ठीक है। तो सूजन आ जाती है ये, हाँ, जो बच्चे कभी कभी देखा हुआ कि दिमागी बुखार, मुझे दिमागी बुखार हो गया, सुना है क्या आपने कभी, है ना। और जब ऐसा आपको होता है तो बच्चे का या व्यक्ति का वो मुख खुला रहता है, उस समय सेंस हो देता है। और अगर उसका डायग्नोस करें ना देखने के लिए, तो आप यहाँ से पकड़ें उसे, बच्चे को या व्यक्ति को, और ऐसे ऐसे करें, तो इनकी जो चिन्ह है ना वो यहाँ नहीं टच कर पाएगा ये, अगर इसका इन्फेक्शन है तो। एक और कुछ नाम है इसका, मुझे अभी फिलहाल में नहीं याद आ रहा है, बताएंगे। दूसरा लिम्फेटिक फाइब्रोसिस, ये ब्रोचेरिया ब्रोंकोक्टिया, ये वेक्टर, इसको कंट्रोल हम वेक्टर ड्रग से कर सकते हैं, और ड्रग थेरेपी जैसे हमने यहाँ पर बताया था उसी तरह से कर सकते हैं। इसी तरह से चिकनगुनिया, चिकनगुनिया है ना, चिकनगुनिया का बड़ा नाम सुनाया हम लोगों ने, और अगर आप कोई आपके जानने वाला या संपर्क में रहा हो और वो इससे इन्फेक्टेड हो गया हो, तो ये बड़ा ही पीड़ादायक स्थिति होती है। क्या होता है, ये ठीक भी हो जाए ना तो जोड़ों में, है ना, हाँ, वही तो कह रहा हूँ कि अगर इन्फेक्शन हो गया, हाँ हाँ ठीक है, खैर हमसे ज़्यादा जानते हैं क्योंकि खुद सफर किया है। खैर डेंगू है ना, डेंगू भी इस तरह की, हाँ, तो इनको भी कई बार जो सामान्य तरीका है वेक्टर, इनको जो इन्फेक्शन करने वाले इंडेक्स या जो भी हैं उनको कंट्रोल करके, और थेरेपी देकर, ड्रग थेरेपी देके, कुछ दवाइयाँ दे करके इसको थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। एडीज, एडीज जो दूसरा इसका इन्फेक्टर है, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, लिम्फ फाइलेरियासिस, इसमें लिम्फेटिक है, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस में मैं बता रहा था शायद आपको, जो ये जो मेरे ख्याल में पैर वैरों में सूजन हो जाती है, जिस शायद फील पाम कहते हैं,
है हाँ हाथी पाँव है फिर पाँव ऐसा कुछ कहते हैं, है ना। अब थोड़ा सा आगे क्या बेटा, हाँ तुम्हें कुछ कर, तुम कुछ कहना है? नहीं कुछ, मैं गलत तो नहीं बता रहा, ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें सही बता रहा हूँ और मैं भी गलत बोलता हूँ। चलिए कोई बात, अगर कुछ कन्फ्यूजन है हो तो, कन्फ्यूजन हो तो फिर नंबर मेरे पास आप लोगों का तो नहीं है, लेकिन हो तो फिर मुझे करेक्ट करा दें, ठीक है कोई बात नहीं। तो फाइलेरियासिस में कई बार क्या है, जब से इन्फेक्टेड व्यक्ति हो जाता है तो इसका टेस्ट जब कराते हैं कि क्या ये फाइलेरियासिस उसको है, तो वो टेस्ट आता ही नहीं है, कई बार नहीं आता है। ये कहते हैं, मुझे नहीं पता ये साइंटिफिक बात है ठीक है, कि अगर जब व्यक्ति बिल्कुल एकदम सो रहा हो पूरी तरह से, तो उसका ब्लड लेके टेस्ट किया जाए तो शायद उस समय उसका टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, नहीं ये जल्दी पकड़ में नहीं आता है। और इसका मेरे ख्याल में इसमें तो लिखा हुआ है कि इलाज है, लेकिन तीन चार लोगों को मैं जानता हूँ उनका इलाज नहीं हुआ, वो बार बार कई बार वो करा देते हैं फिर ठीक हो जाता है, फिर हो जाता है, वो बार बार होता रहता है इन्फेक्शन। हाँ तो क्योर नहीं, मेरे अनुसार तो जहाँ तक मुझे जानकारी है कि क्योरेबल कई बार नहीं है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। येलो फीवर में भी मेरे ख्याल में कुछ परेशानी, हाँ येलो फीवर का मुझे अच्छी तरह से इसका जो करेक्टर है वो याद नहीं आ रहा है, आप देख लीजिएगा। ये भी जीका वायरस से भी फीवर, जीका फीवर भी कहते हैं इसे, कई बार जीका वायरस से ये होता है। अब यहाँ पर कह रहे थे सीसी फ्लाई या टिक टिक फ्लाई, ये ग्लोसिना क्या बताया था, हाँ ग्लोसिना बारवेंट, हाँ चलो। तो इससे स्लीपिंग सिकनेस, शायद ये निद्रा रोग कहते हैं, है ना, तो ट्रिपैनोसोमा, नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है, कॉन्शियसनेस खो जाती है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से ये इन्फेक्शन होता है, इसको बेहतर किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं और ड्रग थेरेपी से भी इसको ठीक किया जा सकता है, ये सब हम लोग जानते हैं, लेकिन ये सामान्य लोगों की जानकारी क्यों, क्योंकि हम आप लोग ऐसी स्थिति पर है कि हमें इसको बताना चाहिए लोगों को जो सामान्य लोग हैं। सैंड फ्लाई लेस्पानियासिस से बेहतर ड्रग कंट्रोल कर सकते हैं। ब्लैक फ्लाई है ना, रिवर ब्लाइंडनेस होता है, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा आई एंड स्किन। रिवर ब्लाइंडनेस में आंख और स्किन पर स्पॉट पड़ जाते हैं ये। तो सर ये ब्लाइंडनेस नाम क्यों दिया गया? ये बात अब ये शायद मैंने पढ़ा था लेकिन अब रिवाइव नहीं हो रहा, पूछ लेना बता दूंगा, नेट में देख लेना, अब याद नहीं आ रहा, चलिए है ना। फ्रीज जीनोम्स का प्ले बोली है ना, मुझे लगता है ये रिवर ब्लाइंडनेस में, इसके अलावा एक शायद ब्रेन में भी कुछ स्वेलन आ जाती है मुझे सर कि हाँ कहीं पर है इसमें होगी, अब थोड़ा कन्फ्यूजन है तो उस कन्फ्यूजन को आप करिए। तो यहाँ पर इस तरह के कुछ हमारे पास वेक्टर्स हैं, उनसे हमें ये पता चलता है कि कितनी खतरनाक बीमारी जो कि कई बार क्योरेबल भी नहीं है वो हो सकती है, कुछ और भी है थोड़ा सा
टाइम देख लीजिए, क्योंकि दूसरा 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 टॉपिक भी है ना। 4:35 हो रहे, आधा घंटा नहीं, आप लोग बैठ सकते हैं टाइम तक, नहीं बैठ पाएंगे 5 के बाद हैं, बंद कर देंगे जी यार, ये तो हो जाएगा फिर। यार हम तो उस लाए थे तो सबके ये भी बता देंगे थोड़ा सा। अच्छा चलिए 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 लास्ट की बात, ये टिक करें दो करेंगे, ये टिक बॉर्न है और ये लार्ज बॉर्न है, ठीक है। ये एंटीबायोटिक जो हम दे सकते हैं, ये टिक टर्निंग कॉम्बो ये दे दीजिए आप, माइसिन टाइफस एंटीबायोटिक दे सकते हैं, रेडोमिड जिससे चागास रोग हो जाता है, ठीक है, जिसमें ब्रेन में सूजन आ जाती है, है? और अल्टीमेटली हार्ट फेल हो जाता है ना, तो आदमी की डेथ हो जाती है। बाल ये बच्चा लग जाता है। बेटर कंट्रोल स्ट्रेटेजी, हम किस तरह से बेटर को कंट्रोल कर सकते हैं इनको, केमिकल कंट्रोल, इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड जैसे मेगाथियोन है ना, परमेथ्रिन, फिनोथ्रिन, ऑल आउट, ये कुछ मैंने ब्रांड के नाम दे दिए, जैसे आप समझ, जैसे ऑल आउट आता है ना, ऑल आउट लगा लेते हैं मच्छर भाग जाते हैं, जैसे बेगोन स्प्रे, ओरिनाइन वगैरह है ना, लार्वी साइड्स, ये एक तेल टाइप का होता है जो कि इसके मॉस्किटो के लार्वा को खत्म कर देता है। कैसे खत्म कर देता है कि हम पानी में डालें, क्योंकि ये अपनी लाइफ साइकिल वहीं से शुरू करता है, तो पानी पर इसको डाल दें तो ऑक्सीजन को ये रोक देता है, तो सफोकेशन से उसका लार्वा की डेथ हो जाती है। ये है इसका। और रिपेलेंट्स, रिपेलेंट्स में जिसमें हम इन से बचने के लिए लोशन, क्रीम, सोप वगैरह ये लगा सकते हैं, ठीक है। अब स्प्रे वगैरह कर सकते हैं लार्वा को कंट्रोल करने के लिए। चलिए बेहतर कंट्रोल स्ट्रेटजी जिसमें हम देखिए, अब बायोलॉजिकली कंट्रोल कर सकते हैं। बायोलॉजिकली कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, जिसको हम IBM इंटीग्रेटेड बेटर मैनेजमेंट कहते हैं। आप लोगों ने सभी मेरे ख्याल में कानपुर यूनिवर्सिटी गए हैं, कोई बाहर का तो है नहीं, तो आपने पॉपुलेशन इकोलॉजी, वहाँ पर बाई चांस की बात है कि मैं पॉपुलेशन इकोलॉजी MSc PBS में पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पर आपको हम बताते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी में प्रीडेटर है ना, प्रीडेटर, प्रीडेटर के बारे में आप लोग जानते हैं, प्रे प्रीडेटर के बारे में जानते हैं, तो उसी तरह से जो प्रीडेटर है, प्रे चाहे वो प्रे है चाहे वो प्रीडेटर है, तो अगर वो प्रीडेटर है तो प्रे बहुत सारे प्रेस को वो इन्वेस्ट कर देता है भाई प्रीडेटिंग, तो इस तरह से भी खतरनाक जो वेक्टर्स हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। पैरासाइट्स, बहुत सारे ऐसे पैरासाइट्स हैं जो कि उनकी बॉडी पर पैरासिटिज्म द्वारा उनको खत्म कर सकते हैं, है ना। पैथोजन एंड पैथोजन, टॉक्सिन फॉर्मिंग बैक्टीरिया, बैसिलस, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि टॉक्सिन फॉर्म करते हैं, जिससे ये वेक्टर्स जो खत्म हो जाते हैं, है ना। बैसिलस जैसे फाइरिंजियंसिस, बैसिलस स्पेरिकस, डन बायोलॉजिकल कंट्रोल एंड वेक्टर कंट्रोल बाय वेक्टर स्टराइल, हम स्टराइल टेक्निक से भी इसको अब जल्दी जल्दी ऐसे ही पढ़ना ही पड़ेगा, टाइम नहीं है। स्टराइल टेक्निक नोवल अप्रोच लाइक ट्रांसमिशन ऑफ वेक्टर विद एन एंडो सिम्बायोमेंट सच एज बॉर्डिजिया पैरासिटिस, ये वैन ये पैरासाइट और पैथोजन जेनेटिकली मॉडिफाइड, जेनेटिकली मॉडिफाइड हम जिस तरह से वहाँ पर इस तरह से समझ लीजिए कि जब हम BT कॉटन को जेनेटिकली मॉडिफाइड कर सकते हैं, है ना, तो उस पर कीले नहीं लगते, उसी तरह का यहाँ पर इनको जेनेटिकली मॉडिफाइड करके रोक सकते हैं। अच्छा अच्छा, इन्वायरमेंटल अब है ये वाला, ये नहीं 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 बैक्टीरिया वायरस, उसका नाम है पैरासाइट का नाम है। देखो
पैरा ट्रेन जिनेसिस। अब चलो खत्म क्या ये क्या चलते सही अभी तो है ये हो क्या तेज कर दिया क्या इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड फॉर बेटर कंट्रोल। हम जब बेटर्स को कंट्रोल रोकना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन जैसे इन्वेस्टिगेशन और नो द फॉलोइंग बिफोर डिसाइडिंग ऑन कंट्रोल। उसको कंट्रोल करने से पहले हमें हमारे पास ब्रीडिंग साइट कहाँ पर ये ब्रीड करता है उस साइट्स की जानकारी होनी चाहिए। रेस्टिंग साइट कहाँ पर ये रह सकता है उसकी जानकारी होनी चाहिए। ट्रांसमिशन इनका जो ट्रांसमिशन है ये फैलता कैसे उसकी जानकारी होनी चाहिए। ब्लड सोर्स किन का ये ब्लड सक कर सकता है उनकी जानकारी होनी चाहिए। डिस्पर्सन और ये कितनी दूर तक फैल सकता है उसकी जानकारी। पॉपुलेशन डायनेमिक्स ये कितनी संख्या में कितनी देर में फैल सकता है उसकी जानकारी होनी चाहिए। ये कुछ मैंने उसे डायग्राम से बताए है ना देख लीजिए ये स्प्रे कर रहे हैं। एडल्ट मॉस्किटो कंट्रोल डेंगू फीवर फॉगिंग से इसको रोक सकते हैं। एडल्ट मॉस्किटो कंट्रोल इंडोर रेजिकुलर स्टेइंग लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड यूनिट्स ठीक है। सर्विलांस मॉनिटरिंग ऑफ वेक्टर्स इसमें हम रूटीन सर्विलांस हमारे पास होनी चाहिए बिल्कुल जैसे चार दिन छः दिन दस दिन में रूटीन होनी चाहिए। अंडरस्टैंड डायनेमिक्स ऑफ वेक्टर्स वो कहाँ कहाँ जा सकते हैं इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। वेक्टर मैपिंग इम्पोर्टेंट और हमें इसकी ये कितनी समय तक और कहाँ तक फैल सकते हैं इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। सर्वे टू फाइंड सॉल्यूशन टू द स्पेसिफिक क्वेश्चन अगर वहाँ जहाँ पर इनका बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है तो उन लोगों से उनके बारे में पूछना चाहिए कि क्या दिक्कत है उसकी उस समस्या को सुन के फिर हमें उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए ये हमें जानकारी होनी चाहिए। सेटअप इंडिकेटर्स टू मॉनिटरिंग वेक्टर्स हमें इंडिकेटर इस तरह से सेटअप करना चाहिए कि अगर ये फैलने वाली हो तो ये वेक्टर फैलने वाले हो तो हम उसको डिटेक्ट कर सकें। डाटा मैनेजमेंट टू एनालाइज द इंफॉर्मेशन स्ट्रेटेजी हमारे पास इस तरह का डाटा मैनेजमेंट होना चाहिए कि अगर हम इनको कितना ये फैल सकता है और कितनी जनसंख्या में फैल सकता है और हम इसको कंट्रोल करें तो उसके लिए कितना हम स्प्रे कर सकते हैं जो भी है। रोल ऑफ द एंटोमोलॉजिस्ट एंटोमोलॉजिस्ट का क्या रोल है टू प्रिडिक्ट द लाइकली वेक्टर प्रॉब्लम है ना ये उसको जानकारी होनी चाहिए। एंटोमोलॉजिस्ट को ये जानकारी देगा इनको पूरी तरह से जानकारी देगी टू आइडेंटिफाई द वेक्टर कौन सा वेक्टर है जो बीमारियां फैला रहा है वो कौन सा है मॉस्किटो है फ्ली है और क्या है और उसकी जानकारी सिर्फ यही दे सकते हैं क्योंकि ये आइडेंटिफाई करेंगे इसको। टू लोकेट द ब्रीडिंग साइट ऑफ द वेक्टर और ये लोकेट करेंगे देखेंगे कि ये ब्रीडिंग साइट इसकी है कहाँ पर है इसकी ब्रीडिंग साइट। टू टेस्ट इंसेक्टिसाइड ससेप्टेबिलिटी और यही ससेप्टेबिलिटी को इसे टेस्ट करेंगे कि हम कितनी डोज यहाँ पर स्प्रे के लिए या दें तो जिससे हम इनको ज़्यादा से ज़्यादा खत्म कर सकें। टू असिस्ट द डिजाइनिंग ए कंट्रोल प्रोग्राम और यही कंट्रोल प्रोग्राम को डिजाइन करेंगे ये इनका काम है एंटोमोलॉजिस्ट का। इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट आईवीएम करेक्टरिस्टिक फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लोकल वेक्टर बायोलॉजी डिजीज ट्रांसमिशन एंड मॉर्बिडिटी नंबर ऑफ डिजीज मॉर्बिडिटी को कहते हैं नंबर ऑफ डिजीज यूज ऑफ ए रेंज ऑफ इंटरवेंशन ऑफ इन कॉम्बिनेशन एंड सिनर्जिकली उसका साइंटिस्ट का नाम है कॉलेबोरेशन विद द हेल्थ सेक्टर एंड पब्लिक प्राइवेट सेक्टर दैट इंपैक्ट ऑन वेक्टर इसमें ये जो हमारी म्यूनिसिपैलिटी है इसका भी रोल है हेल्थ
डिपार्टमेंट के साथ म्यूनिसिपैलिटी का भी रोल है. इंगेजिंग विद लोकल कमिटी एंड अदर स्टेक होल्डर्स, हमें उन लोकल लोगों को भी लेना पड़ेगा. हम इतने बड़े प्रोग्राम को अकेले नहीं चला सकते, गवर्नमेंट नहीं चला सकती, उनको भी इंगेज करना पड़ेगा. पब्लिक हेल्थ रेगुलेटरी एंड लेजिस्लेशन फ्रेमवर्क, उसके तहत हमें इसका काम करना पड़ेगा. थैंक यू. ये तो खत्म हो गया, अभी आप दूसरा लगाओ. आओ देखो आईबीएम लगाओ. बेटा दो क्लास है, दो क्लास थी, एक भी एक है ना ये हाँ अभी है ना. हाँ कल भी है, लेकिन मैं कितना बता पाऊंगा. आज मेरा टारगेट दो का था, एक तो पहले ही टाइम चला गया. आईपीएम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ये तो कब आ रहा है? आईपीएम है, ये तो हाँ मैं दे दूंगा, ये कोई दिक्कत नहीं. हाँ देखिए आईपीएम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ये ऐसा टॉपिक अभी हमने इसके बारे में पूरी जानकारी कर ली. अब हम पेस्ट के बारे में थोड़ा सा जानकारी कर लेते हैं. जो पेस्ट है वो किसी भी किसी तरह से हमारी लाइफ में इंटरफियर करते हैं. वहीं पर एग्जांपल है कि हमारी फसल पर है ना, उस पर बहुत सारा इम्पैक्ट करते हैं. आप एक किसी भी प्लांट को देख लें, कोई कीड़ा जिसको हम रूट बोरर कह रहे हैं रूट में लग जाता है ना, नहीं फिर शूट बोरर उसके शूट को खा जाता है, फ्रूट को खत्म कर देता है, फ्लावर को खत्म कर देता है. इस तरह से अगर इस समस्या को हम सॉल्व कर लें और हमें ग्रेन मिल जाए, उसकी यील्डिंग मिल जाए और उसको हम सुरक्षित रख लें, तो स्टोर में जाके खत्म कर देता है, उसको बड़ी समस्या है. तो इसको हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, पेस्ट को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं कि कम से कम नुकसान पहुंचाए हमारी यील्डिंग को, हमारी इकोनॉमी को, हमें किस तरह से इसको हम मैनेज करें, इसको किस तरह से रोकें. व्हाट इज आईपीएम? आईपीएम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इज ए सस्टेनेबल अप्रोच टू मैनेजिंग पेस्ट बाई कंबाइनिंग. ये हमारे पास कुछ तीन चार पैरामीटर है, बायोलॉजिकली हम इसको मैनेज करें, केमिकली इसको मैनेज करें, और कल्चरल तरीके से जो पुराने तरीके से उस तरह से, और फिजिकल टूल से उससे हम इसको मैनेज कर सकते हैं इन ए वे दैट मिनिमाइज इकोनॉमिक, जो हमारा कम से कम नुकसान हो, हेल्थ एंड एनवायरमेंटल रिस्क. अगर हम केमिकल का ज़्यादा यूज करेंगे तो एनवायरमेंटल रिस्क ज़्यादा हो जाएगी, अगर हम बायोलॉजिकली ज़्यादा यूज करेंगे तो ये उससे जल्दी से पेस्ट होने वाले नहीं है, बढ़ेंगे. और दूसरी समस्या फिजिकली करेंगे, जो पुराना तरीका है उस तरह से करेंगे तो भी ये कंप्लीट नहीं हो सकते है ना, और कल्चरल तरीके से इनको मैनेज करेंगे, इनको खत्म करेंगे तो भी नहीं हो सकते. हमें समेकित यानी जो पूरी सभी तकनीकें उनको एक से एक साथ लेकर के इसको मैनेज करें तो हमें कम से कम हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान होगा और हमारी इकोनॉमी को नुकसान होगा, और इनको आसानी से उस लेवल तक सप्रेस कर सकते हैं जिस लेवल तक हमें चाहिए, कम से कम नुकसान होगा. ठीक है, इसको इसी को हम आईपीएम या इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं. व्हाट इज पेस्ट? A large number of insect species are adapted to live over a variety of plants and animals
roughnessly, causing a severe damage to our economy and even to the livestock and public health, such as natural destructive insects are called the pest. यानी ये character है तो वो pest है. अब बहुत ज़्यादा explain करने में क्यों मुझे लग रहा है आप कह रहे हैं कि वो बंद है. चलिए. The pest may destroy host individual belonging to the family, single species, various species of the family और सब. देखिए कई बार कुछ जो pest है किसी एक ही तरह के हमारे उसको प्लांट को टारगेट करते हैं, एक ही को खाते हैं, उनको हम मोनोफेगस कहते हैं. कुछ ऐसे हैं कि दो तरह के प्लांट को एक ही स्पेसीज के खाते हैं, उनको कहते हैं. यहाँ पर लिखा हुआ ऑलियोफेगस, यहाँ पर देखिए ये गलत लग गया है, और ये है ऑलियोफेगस. और ऐसे यानी ऐसे पेस्ट जो बहुत सारी स्पेसीज को खाते हैं उनको पॉलीफेगस कह सकते हैं, है ना. एग्जाम्पल फ्लीज, बग्स, ब्लैक एंड बीटल्स. ये पेस्ट मैनेजमेंट के टूल हैं कुछ जो मैं पहली बार बता चुका हूँ कि इस तरह से हम इनको मैनेज कर सकते हैं. बायोलॉजिकल कंट्रोल कर सकते हैं, केमिकल कंट्रोल कर सकते हैं, कल्चरल और फिजिकल कंट्रोल कर सकते हैं. बायोलॉजिकल कंट्रोल हम किस तरह से करें. द बायोलॉजिकल कंट्रोल इज ए नेचुरल मेजर ऑफ पेस्ट कंट्रोल. ये एक नेचुरल तरीका है. इसमें देखिए हम क्या कर सकते हैं, बेस्ड ऑन द बायोलॉजिकल प्रिंसिपल, है ना. जिसमें बायोलॉजिकल प्रिंसिपल में ये है कि स्वतः ही नेचर में ये सब कुछ मैनेज होता है. अगर हम इसको और ज़्यादा पुशअप करें और ज़्यादा समझें तो ऐसे इंसेक्ट्स को हम बढ़ावा दे सकते हैं जो हमारी नुकसान फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं उनको खाने के लिए. एंटोमोफेगस, है ना. कंट्रोल द एम टू द रिडक्शन इन द पॉपुलेशन ऑफ ए पेस्ट स्पीशीज बिलोंग टू द इकोनॉमिक लेवल ऑफ द इंजरी थ्रू द एजेंसी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म. दूसरे इंसेक्ट को हम बढ़ावा दे सकते हैं जो कि हमारी फसल को नुकसान पहुंचा रहे या हमें नुकसान पहुंचा रहे, दूसरे इंसेक्ट हैं उनको बढ़ावा दें जो कि इनको खा सकते हैं, है ना. ये है सब. ऑल्दो दिस कंसेप्ट इज एन ओल्ड, हालांकि ये जो कंसेप्ट है वो बहुत पुराना है. इज ओल्ड दैट ऑफ एनी प्रेजेंटली नो कंट्रोल मेथड. इट हैज बीन एडवांस ट्रीमेंडसली विद द रिसेंट नॉलेज ऑफ द इकोलॉजी ऑफ इकोलॉजी ऑफ द क्रॉप प्लांट पेस्ट स्पेसी अदर प्लांट एंड एनिमल एंड देयर इंटर रिलेशन द फिजिकल इंटीग्रिटी द बायोलॉजिकल कंट्रोल इज सेफ परमानेंट एंड इकोनॉमिकल इन द लॉन्ग टर्म. इसका यह मतलब है कि अगर हम इस तरह से पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं तो ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल है, परमानेंट है और सेफ भी है. अगर हम दूसरी तरीका जैसे केमिकल्स का ज़्यादा यूज करें तो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचाएगा. तो इस तरह से हम कम से कम अपने एनवायरनमेंट को और खुद को नुकसान न पहुँचा करके इस तकनीक का यूज करें जो कि कीड़े को ही कीड़े खाते हैं, तो आसानी से हम इनको क्या बायोलॉजिकल कंट्रोल. एक द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू कंट्रोल पेस्ट, है ना. प्रीडेटर, मैं इससे पहले बता रहा था, प्रीडेटर के थ्रू हम दूसरे इंसेक्ट को हम इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं. जैसे मान लीजिए कि हम मॉस्किटो को ही कंट्रोल करना चाहें तो मॉस्किटो को हम इस बायोलॉजिकल तरीके से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. हम कौन सी मछली होती है मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, पॉन्ड में जहाँ पर ये अपने एग लेइंग कर सकते हैं, अपनी लाइफ साइकिल को सर्वाइव कर सकते हैं, उस मछली को उसमें डालते हैं, ठीक है. तो उनके लार्वा को ये खा जाएगी, है ना. इस तरह से कर सकते हैं. दूसरा जैसे प्रेइंग मेंटिस है, प्रेइंग है, ये भी दूसरे कीड़ों को खा सकती है ना. कुछ
और भी हैं, आप देख लीजिए कलयुग, ये तो प्रीनेटल के लिए मैंने जनरली बता दिया, अब पैरासाइट्स आप सबको समझ लीजिए। क्रिएटर ये एक्चुअल में प्रे ये उसी का है, क्रिएटर एंड प्रे ये कुछ एग्जाम है आपके सामने। बायोलॉजिकल कंट्रोल क्रिएट पैरासाइट, पैरासाइट्स के बारे में आप लोग जानते हैं, क्रिएटर और पैरासाइट्स का लगभग दोनों का एक ही काम है ये जानते हैं, लेकिन क्रिएटर होल एनिमल को कंज्यूम करता है जबकि पैरासाइट उसके प्रोडक्ट को, उसके भोजन को, ये अंतर है। इसमें प्रीडेटर में पूरे एनिमल को एक दूसरा एनिमल इन्वेस्ट कर लेता है इंस्टेंटली, लेकिन पैरासिटिज्म में जो होस्ट है उसके फूड को पैरासाइट कंज्यूम करता है, तो डेथ तो दोनों में होनी होगी। तो इस तरह से एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स ऑन द होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड गेट्स इट्स फूड फ्रॉम और द एक्सपेंस ऑफ इट्स होस्ट, इट मे बी एन इंसेक्ट अटैकिंग द होस्ट एन स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट, दैट इज एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट स्टेज। मोस्ट ऑफ द पैरासाइट यूज इन बायोलॉजिकल कंट्रोल आर द एंटोमोफेगस, है ना, ये हेमरोटेरा है और ट्राइकोग्रामा स्पेसीज ज्यादातर है इसमें। हाँ, ये कुछ पैरासाइट्स हैं, ये वाले आपने एग्जाम्पल देखे होंगे, ये एफिड्स हैं, एफिड्स हेमरोटेरा के कुछ इंसेक्ट हैं, वो अपना ओविपोजिटर एंटर करके इन एफिड्स के अंदर एग लेइंग करते हैं, एग्स होते हैं इनके अंदर, तो ये जो एग है वो पैरासाइट का काम करते हैं और इसके अंदर पूरे भर जाते हैं और वो इनके अंदर की जितनी भी फिजियोलॉजी है उसे खा लेते हैं और इनकी डेथ हो जाती है। इस तरह से भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ स्पेस लाइट है, ये है पैरासाइट, है ना, देखो टाइम है, टाइम है अभी 7 मिनट है, 2 मिनट है, चलो पैथोजन है, क्या कहते हैं पैथोजन, तीसरा है हमारा क्रिएटर हो गया, पैरासाइट हो गया, पैथोजन। खैर मैं उस तरह से टाइम कम की वजह से उस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, मेरा टाइम अगर आप दिलवा दीजिए तो फिर मैं किसी दोबारा से करूँगा। चलिए कदम, इट इज द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजिंग सीवियर डैमेज इन द मिडगट बोनेट्स एंड अदर ऑर्गन्स आल्टर द कंपोजिंग ऑफ बॉडी फ्लूइड कॉजिंग फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड अल्टीमेटली लीडिंग टू द डेथ, है ना। ये पैथोजन जब बॉडी में एंटर कर जाते हैं तो ये हमारे मिडगट को समझते हैं आप लोग, हैं क्या हुआ मिडगट समझ रहे हैं, नहीं एलिमेंट नहीं कह रहे, मिडगट को नुकसान पहुंचाते हैं, बोनेट्स समझ रहे हैं आप लोग, इनको नुकसान पहुंचाते हैं एंड अदर ऑर्गन्स आफ्टर ऐसा आफ्टर द कंपोजिंग ऑफ द बॉडी फ्लूइड और ब्लड बॉडी फ्लूइड को भी नुकसान पहुंचाते हैं जो कि हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है ना इसको, और पूरी फिजियोलॉजिकल जो सिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं और अल्टीमेटली डेथ के नजदीक पहुंच जाते हैं और डेथ हो जाती है ऑफ द बेस्ट इंडिविजुअल्स। इसमें कुछ मैंने डाटा दिया है कि कितनी जो पैथोजन है वो किस किस में,
यहाँ पे देखिए, देयर आर अबाउट 90 स्पेसीज ऑफ द बैक्टीरिया। इस जो बायोलॉजिकल कंट्रोल में आते हैं वो 90 स्पेसीज आती है बैक्टीरिया की, और 260 स्पेसीज ऑफ द वायरस, वायरस की 260 स्पेसीज आती है, और वहीं पर 530 फंजाई की, ये स्पेलिंग में रहता है इसमें जुड़ गया है ना, 100 स्पीसीज ऑफ द निमेटोड्स, निमेटोड्स की भी 100 स्पीसीज इस तरह से लोकेट की गई हैं, एंड 210 स्पीसीज ऑफ प्रोटोजोअल्स हैं ऐसे जो कि इस तरह का नुकसान करते हैं, ऑल ऑफ देम कैपेबल ऑफ द किलिंग देयर इंसेक्ट होस्ट। ये जो निमेटोड है ये इंसेक्ट को, बहुत सारे इंसेक्ट को खत्म कर सकते हैं, जो कि हमारे चाहे तो फसल पर या एनिमल पर पेस्ट के रूप में काम करते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं। बैसिलस थाइरिंजियंसिस ये एक एग्जांपल है, इसमें से बैसिलस पॉपुली नोजिमा, इस तरह के कुछ एग्जांपल हैं। केमिकल कंट्रोल, ये तो हमने बायोलॉजिकली कंट्रोल देखा, अब क्योंकि हम समय के इफ्यूज्ड की बात कर रहे थे तो यहाँ पर हमें केमिकल कंट्रोल भी देखना पड़ेगा। हाँ, हमें केमिकल का उतनी लेवल पर कंट्रोल यूज करना पड़ेगा जो कि हमारी सिस्टम को, हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान न पहुंचाए, ये इसका मतलब है। बस अगर इसे मैं पढ़ना आप चाहेंगे पढ़ें तो मैं पढ़ दूं, इस पर ये दूसरा भी है, बहुत सारे केमिकल्स का हम छिड़काव करके तो किस तरह से कर सकते हैं। कल्चरल कंट्रोल, इसमें एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो कल्चरल कंट्रोल पेस्ट का है वो हमारे किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुँचा, जिस तरह से हम केमिकल का यूज करके अपने एनवायरनमेंट को, खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हम फायदा के लिए तो बात कर रहे हैं लेकिन उसमें नुकसान भी है, लेकिन इस टेक्निक से नुकसान कोई भी नहीं। कल्चरल कंट्रोल इज द यूज ऑफ क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन जानते हैं हम लोग, क्रॉप रोटेशन का मतलब है कि दो तीन फसल हम साल में उगाते हैं, है ना, तो अगले साल जैसे इस समय में गेहूं जो वगैरह बोया है, इसकी जगह पर दूसरा अगले साल बोई, फिर और दूसरे बोए, इस तरह से रेजिस्टेंट वैरायटी, जो कि कीड़े जिनको न लग सके, काट न सके, ऐसी वैरायटी रेजिस्टेंट वैरायटी कौन सी हो सकती है? रेजिस्टेंस वैरायटी एक दो नाम बताइए आपको, बीटी कॉटन हो सकती है, है ना, और बहुत सारी ब्रिंजल, बीटी ब्रिंजल हो सकता है, है ना, विलेज प्रैक्टिस, ये कुछ विलेज प्रैक्टिस, रेगुलर वीडिंग, रेगुलर वीडिंग का मतलब है कि हम कटाई छटाई थोड़ा सा साफ सफाई करें, पर नहीं इसमें ये है कि जो सीजनल जो वो है, हम एक समय के लिए अपने खेत को खाली छोड़ देते हैं, जैसे जिसको शायद मैं जहाँ का रहने वाला हूँ तो वहाँ पर किसान लोग एक हो सकता है आपको हंसे शब्द को सुन करके, आषाढ़ी, आषाढ़ी बोलते हैं, आषाढ़ी है ना, आषाढ़ के महीने में उसको खुला छोड़ देते हैं खेत, खाली उसमें कुछ नहीं बोते, तो उससे क्या होता है कि इस तरह के जो कीड़े हैं वो उनकी लाइफ साइकिल खत्म हो जाती है, और अगले सीजन में वो फिर पूरी तरह से अच्छी फसल पैदा होती है। तो इस तरह का तरीका जो ये कल्चरल मेथड है। टाइमलेस प्लानिंग है क्या? नहीं 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 बेटा, मैं पश्चिमांचल में हूँ, मैं हाथरस से हूँ, हाथरस से हूँ। हाँ चलिए, प्लांटिंग, टाइमलेस प्लांटिंग है ना, अपरूटिंग, अपरूटिंग निराई उड़ाई करते हैं ना, निराई उड़ाई, तो अपरूटिंग उससे भी हम अपनी फसल को इन पेस्ट से बचा सकते हैं। एंड बर्निंग
इनफैक्ट क्रॉप्स, ऐसी क्रॉप जो हमें ज़्यादा नजदी नकदी देने वाली और उस तरह से रोटेशन करें तो हम आसानी से अपनी फसल को सुरक्षित कर सकते हैं। एग्जाम्पल, कल्चरल कंट्रोल मेथड इंक्लूड प्रॉपरली सेलेक्टिंग एंड रोटेटिंग क्रॉप, वही है सैनिटाइजिंग एंड सोलराइजिंग। सोलराइजिंग सॉइल समझ रहे हैं हम, ठीक है, अगर समझ रहे हैं तो अच्छी बात है। चूजिंग द बेस्ट प्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग टाइम्स यूजिंग रेजिस्टेंस वेराइटी एंड सर्टिफाइड प्लांट्स टेकिंग एडवांटेज ऑफ एलिगोपैथी एंड इंटरक्रॉपिंग समझ रहे हैं। एलिगोपैथी ये आपने लिखा हुआ है, ऑर्गेनिक प्रोड्यूस बायोकेमिकल। मैंने आपको इससे पहले थोड़ा सा बताया था कि कुछ ऐसे केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जो एटम ये दूसरे क्या क्या कहना चाहिए प्लांट के उन इंसेक्ट को खत्म कर देते हैं और कई बार उस प्लांट को खाते नहीं है ना, तो इसको हमको एलिगोपैथी कहते हैं। कल्चर कंट्रोल का डायग्राम है। फिजिकल कंट्रोल में हम इस तरह से समझ लें कि आर्टिफिशियल को जब इस टेक्निक को हम ज़्यादातर स्टोर करने पर जो हमारी हीटिंग पर पेस्ट अटैक करते हैं उससे छुटकारा पाने के लिए हम जो फिजिकल कंट्रोल का तरीका है उसको हम यूज करते हैं ना, आर्टिफिशियल कूलिंग। कई बार ये होता है कि 4 से 14-15 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस टेम्परेचर पर जो इंसेक्ट की फिजियोलॉजी है वो पूरी तरह से फंक्शनेबल नहीं होती, तो हम अगर इसे आर्टिफिशियल कूलिंग करें या फिर अपने प्रोडक्ट को जिसको हम स्टोर कर रहे हैं उसको हम गर्म करते हैं, कई बार सीजनिंग करते हैं है ना, उसमें से मॉइस्चर हटा दें तो हम उसको आसानी से अपने ईलिंग को बचा सकते हैं इस तरीके से। सुपर हीटिंग वही है, सुपर हीटिंग रेडिएशन, वेरियस आयनोजाइजिंग रेडिएशन है नाउ इंट्रोड्यूस्ड फॉर द कंट्रोल ऑफ स्टोर प्लेस है ना। देखो हमने क्या किया, ये है फिजिकल कंट्रोल के कुछ। कई बार ये भी करते हैं किसान लोग कि कुछ चुनिंदा जो ज़्यादा इन्फेक्ट हो गए पौधे उनको उखाड़ के जमीन में दबा देते हैं, कई बार कीड़ों को भी मारते हैं, बहुत सारे तरीके। ये है, ये ज़्यादा पॉपुलेशन है कीड़ों की, यहाँ पर देखिए जब हमने तरीका अपनाया जब ये अलग अलग हो गए तो इनमें प्रोजेनी बढ़ेगी नहीं तो इस तरह से रुक सकते हैं। अब देखिए ये पास में आ गए तो जनरेशन टाइम में आ गए, ये फिर इनकी संख्या बढ़ जाएगी तो ये तरीके भी अपना सकते, फिर ये संख्या ज़्यादा है लेकिन ये अलग अलग हो इस तरह के तरीके अपनाएं तो प्रोजेनी नेक्स्ट नहीं होगी, इस तरह से भी हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। देख व्हाट मेक्स ए पेस्टिसाइड कंपेटेबल व्हेन एन आईपीएम प्रोग्राम, चलिए स्टेप ऑफ आईपीएम, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है इसको थोड़ा सा समझ लें। स्टेप ऑफ आईपीएम प्रोग्राम, आईपीएम प्रोग्राम का को हम जब अप्लाई करते हैं तो उसके क्या क्या स्टेप होने चाहिए है ना। ये साइंटिस्ट हैं हॉपर एंड क्राफ्ट, इन्होंने 1975 में इस तकनीक को ईजाद किया था और जिसको हम स्टेप बाई स्टेप इस तरह से यूज कर सकते हैं। स्टेप ऑफ आईपीएम प्रोग्राम, एम्फेसिस इज जनरली प्लेस्ड ऑन कंट्रोल ऑफ द सिंगल पेस्ट यूटिलाइजिंग ए सिंगल टैक्टिक्स, एक बार में एक ही तकनीक का यूज करना चाहिए, ये इन्होंने तरीका बताया। फिर दूसरी बात मल्टीपल टैक्टिक्स फेज, कई बार हम एक साथ कई तकनीक जैसे बायोलॉजिकल कल्चरल केमिकल सभी जिसको हम आईपीएम भी कहते हैं उन सभी तकनीक का यूज करके हम आसानी से और सेफली हम अपने प्रोग्राम को सेटअप कर सकते हैं। ये जरूरत पड़ती है कई जगह पर
एक टेक्निक यूज नहीं कर सकते। पहला तो ये है कि एक टेक्निक से, फिर इसमें IPM तरीके से हम कर सकते हैं, फिर बायोलॉजिकल मॉनिटरिंग फेज, बायोलॉजिकल मॉनिटरिंग फेज में दिस फेज इंट्रोड्यूस मॉनिटरिंग ऑफ पेस्ट नेचुरल एनिमी एंड होस्ट प्लांट फिनोलॉजी पॉपुलेशन एज द बेसिस ऑफ टाइमिंग द एप्लीकेशन ऑफ द वेरियस कंट्रोल। ठीक है, मॉडलिंग फेज दिस इन्वॉल्व द conceptualization of the process involved in the pest managed system through mental pictorial flowchart and mathematical methods। ये तरीके हमें कुछ graphical तरीके ही इनको locate करने के लिए, इनको सही तरह से system समझने के लिए वो भी हमें करने पड़ेंगे, computing करनी पड़ेगी। बिना computing के जिस तरह से मैंने आपको population ecology में बताया था, पहला था, पहला चैप्टर था जिसमें क्या था, लाइफ टेबल, लाइफ टेबल जिस तरह से क्रिएट करते हैं उसी तरह से यहाँ पर हमें इनका सिस्टम तैयार करना पड़ेगा। इससे ये जो स्टेप है वो स्टेप हमें प्रयोग करने चाहिए तो हम आसानी से पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। दैट इज इट, बस है? देखो टाइम है, और बात करें टाइम चले, क्योंकि मुझे लग रहा है झांक गई थी। हाँ बन गई।